आप देख रहे हैं खबर। उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई संत रविदास जयंती। कोपागंज ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देवकली बिसुनपुरा में शनिवार को दादी अंबेडकर पार्क में संत शिरोमणि रविदास जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गांव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देवकली दादी रिवरीडी कुकुंदवा जैसे 8 गांवों से जुलूस निकला। रविदास जी का झांकी निकाली गई। ये झांकी अंबेडकर पार्क के लोग एकत्रित होते हैं। वहीं पर एक मेला लगता जिसे कई गांव के लोग मेला देखने अंबेडकर पार्क पहुंचते हैं। वहां पर संत रविदास जी का पूजन और कार्यक्रम बड़े धूमधाम से किया जाता है। इस दौरान कार्यक्रम प्रधान कमलेश कुमार हंटर ने कहा कि हमें अपने महापुरुषों की जयंती जरूर मनानी चाहिए, इससे उनकी यादें ताजा रहती हैं। उन्होंने कहा कि रविदास केवल एक समाज के नहीं सभी समाज के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहा कि आज युवा वर्ग भारतीय संस्कृति व संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, जो भविष्य के भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। युवाओं को चाहिए कि वह भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें व महापुरुषों के जीवन से कुछ न कुछ जरूर सीखे। सर्वेश कुमार हंटर व उनके सहयोगियों के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। अन्न ग्रहण करने से हमें यही रविदास जी श्रवण संस्कृति के संत थे और इन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं कि रविदास श्रम कर खाइए, मैंने श्रम करके खाइए, मेहनत करके खाइए। अनेक असत्य पर आधारित किसी को दबा के, किसी को लूट मार के, बेईमानी का धन आप न खाइए, आप श्रम कीजिए, अपनी मेहनत से जो भी कमाते हो उसमें संतोष करके। उन्होंने कहा कि सत्य संतोष सदाचार जीवन के आधार। देखिए प्रेरणा हमको मिलती है, हमको जितना हमको मिल रहा है उतने में ही हमको संत रविदास जी श्री काशी के श्री गोवर्धन गुरु पैदा हुए थे 1300 मंदिर। ये 631वीं जयंती मनाई जा रही है। ये बुद्ध परंपरा के संत थे, भगवान बुद्ध उनके आदिगुरु। उन्होंने जो व्यवस्था दी उसी व्यवस्था पर चलते हुए रविदास जी आगे बढ़ते रहे, समाज को आगे बढ़ाने जात विहीन वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था का सामना की थी। संत रविदास जी को आगे बढ़ाया और आज भी पूरी प्रचार प्रसार।